بسم الله الرحمن الرحيم BSc Mathematical Method Chapter Number 6 Vector Spaces से मतलब हम डिस्कस करेंगे Vector Spaces form a very important topic in both pure and applied mathematics जो वेक्टर स्पेस है ये प्योर और अप्लाइड दोनों ब्रांचेस में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है असेंशियली इट इज़ ए पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा ये लीनियर अलजेब्रा का ही हिस्सा है सम ऑफ द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट चैप्टर सिक्स में हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट वी गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ सब स्पेसेस इसमें हम सब स्पेसेस स्पैनिंग सेट्स linear dependence independence of subset of vector space basis and dimension of a vector space row column spaces solution space of linear system of equation linear transformation rank and nullity of linear transformation and vector space of linear transformation and matrix of linear transformation in topics ko discuss karenge sabse pehle बेसिक डेफिनेशन डेफिनेशन में आपको दो चाहिए एक फील्ड चाहिए लेट एफ बी ए फील्ड वी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑन हूज एलिमेंट्स एंड ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज डिफाइंड वी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जिनके एलिमेंट्स पर एडिशन का ऑपरेशन डिफाइंड है और फर्ज करें सपोज दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ कि हम अगर कोई स्केलर लें ए बिलोंग्स टू फील्ड एंड एवरी वी बिलोंग्स टू वेक्टर और वी हम वेक्टर स्पेस जो नॉन एम्प्टी सेट है उसमें से लें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वी है इज एन एलिमेंट ऑफ वी तो वो क्लोज्ड हो यानी कि उसका आंसर भी वी में हो देन वी इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करें तो वेक्टर स्पेस होगी V अगर ये एक्सियम्स होल्ड करें कौन से एक्सियम ये पांच एक्सियम V इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन छठा A ब्रैकेट V प्लस W इज इक्वल टू ए वी प्लस ए डब्ल्यू यानी कि स्केलर लेफ्ट स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करें उसके बाद हमारे पास अगर स्केलर के दो एलिमेंट लें a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर लें v वेक्टर तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर भी होल्ड करे a v प्लस b v उसके बाद एसोसिएटिविटी है उसके लिए अगर हम दो एलिमेंट्स लें फील्ड के और एक एलिमेंट्स लें नॉन एम्प्टी सेट v का तो a इंटू बी वी इज इक्वल टू ए बी इंटू वी तो ये एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करे और लास्ट पे है कि 1 इंटू वी इज इक्वल टू वी ही हमें मिले जबकि वी 1 कहाँ से लिया गया है ये फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और ये काम तमाम ए बी एलिमेंट्स के लिए हो और वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट हो तो अगर वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी अबेलियन अंडर एडिशन लेफ्ट स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन राइट वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटिविटी एंड वन इंटू वी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर ये प्रॉपर्टीज होल्ड करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये दिया गया नॉन एम्प्टी सेट है ये वेक्टर होगा ओवर फील्ड एफ के एक्सप्रेशन ए वी ए बिलोंग्स टू एफ वी बिलोंग्स टू वी इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वी बाय ए द एलिमेंट ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स एंड द एलिमेंट ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर्स द वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ इज समटाइम्स रिटन एज वी एफ इफ द फील्ड एफ ओवर विच वी इज ए vector space is clearly understood from the context we simply write v instead of vf तो हम v भी लिख सकते हैं vf के बजाय अच्छा इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर ए वेक्टर स्पेस v ओवर द फील्ड f इज ए फंक्शन ये क्या है एक फंक्शन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर ए वेक्टर स्पेस ये फंक्शन कैसा है
फील्ड को जब ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है वेक्टर्स के साथ, तो हमें एक वेक्टर ही मिलता है। यानी कि जैसे हमने 1.v = v किया है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ऑपरेट होगा ए वी ऑर्डर पेयर पे, और इसका आंसर हमें ए वी एक नंबर मिलेगा तमाम ए बिलोंग्स टू एफ के लिए और वी बिलोंग्स टू वी के लिए। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वी जीरो वेक्टर होगा, बोल्ड फेस जीरो से जाहिर करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ को जीरो स्केलर से शो करेंगे और उसे जीरो से जाहिर करेंगे। वो बोल्ड फेस से था, बोल्ड फेस जीरो से, और ये जस्ट जीरो से। वेक्टर स्पेस वी इज कॉल्ड रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस अकॉर्डिंग एज एफ इज द फील्ड ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। जो नॉन एम्प्टी सेट है वो वेक्टर स्पेस ओवर रियल और कॉम्प्लेक्स होगा अकॉर्डिंग टू दिस फील्ड एफ इज रियल और कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, सेट हमें दिया गया है आर थ्री टपल, यानी कि एक्स वाई जी ट्रिपल फॉर्म में लिखा हुआ है, ट्रिपलेट फॉर्म में, इज ए वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड। ये एडिशन डिफाइंड है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, और इसके ये यूनिट वेक्टर्स हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। और फिजिकल क्वांटिटीज सच एज फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं बिकॉज बोथ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। एग्जांपल टू देखें, हमारे पास एफ फील्ड है, अबेलियन ग्रुप है, अंडर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर लॉ इन एफ, ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, तो एफ ओवर एफ हमारे पास क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। एफ वेक्टर हो और एफ ही स्केलर हो तो इसका नतीजा हमें क्या मिलेगा कि ये वेक्टर स्पेस है ओवर इटसेल्फ। आर ओवर आर, सी ओवर सी, क्यू ओवर क्यू, ये सारी क्या है, आई एम सॉरी, एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर स्पेस ओवर देमसेल्व्स। इसी तरीके से एग्जाम्पल थ्री है, कहा गया है बी बी द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी स्केयर रूट ऑफ टू। ए भी हमारे पास रैशनल नंबर है, बी एडिटिव अबेलियन ग्रुप है, आइडेंटिटी जीरो जीरो है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स सॉरी, माइनस ए माइनस बी है, और आर इसमें क्या है, रैशनल नंबर है, आर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वी इज ए क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड फॉर मेंबर ऑफ, तो हम क्या कह सकते हैं, वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर क्यू। यहाँ फील्ड कौन सी है, क्यू, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस। सेम आपने बाकियों को भी देखना है, एग्जांपल फाइव भी देखेंगे, एग्जांपल सिक्स, एग्जांपल सेवन, पॉलीनोमियल्स के हवाले से। नेक्स्ट जी, यहाँ पे आ रहा है थ्योरम। थ्योरम हमें क्या बताता है, सिक्स के बाद ही हमारे पास आ रहा है थ्योरम। V be a vector space over field F, then A zero, A के साथ zero multiply होगा, answer zero, zero field vector से multiply होगी, answer zero vector आएगा, answer zero vector आएगा, ये बात याद रखनी है। और इसी तरीके से minus A V है, तो A minus V और minus A V ये तीनों बराबर होंगे। A V equal to zero means A is equal to zero और V is equal to zero, यहाँ पे भी ये bold face वाला zero है, और a into u minus v, a u minus a v, इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई आप कर लेंगे, ये मैथमेटिकल मेथड एस एम यूसुफ वाली बुक है उसमें। आगे हैं सब स्पेसेस। एक हम w लें जो कि वेक्टर स्पेस v ओवर फील्ड f का नॉन एम्प्टी सबसेट हो, तो ये सब स्पेस होगा
अगर W itself vector space over F हो under the same operation as defined in V, जैसे V में defined operation, उन्हीं same operation के तहत अगर ये W जो subset है V का, ये vector space over F हो, तब ये subspace कहलाएगी। Every vector space V has two subspaces, name V itself and the set 0. This set 0 consists of the only 0 vectors. These are called trivial subspaces. ये दोनों trivial subspaces हैं, V, B और 0. Other subspaces of V is called non-trivial subspaces. ये example आ जाती हैं, एक polynomial की है, less than है, एक ये Euclidean space की है. उसके बाद हमारे पास next आ जाती है corollary. A non-empty subset W of V is subspace of V if and only if. अगर हम W1, W2, W से लें और A, V, F से लें, तो अगर ये एक condition ही हम satisfy करवा लें कि A W1 plus B W2, तो इसमें vector addition भी हो जाएगी और scalar multiplication भी हो जाएगी. अगर इनका आंसर उसी W के अंदर आ रहा है, उस सबस्पेस नॉन एम्प्टी सबसेट के अंदर ही आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये क्या कहलाएगी, ये सबस्पेस कहलाएगी. किसकी? V की. नेक्स्ट है जी एग्जांपल 10. इसमें एक हमें दिया गया है होमोजेनियस सिस्टम, n लीनियर इक्वेशन है, n रियल अननोन वेरिएबल्स हैं. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर. सिंगुलैरिटी होगी, अगर डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आएगा तो ये सिंगुलर होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा नॉन ट्रिवियल. और अगर इसके अकॉर्डिंग ना हो, नॉन सिंगुलर हो, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होगा बल्कि नॉन ट्रिवियल नहीं होगा बल्कि ट्रिवियल होगा. थ्योरम चेक करें, अगर U और V हमारे पास दो सब स्पेसेस हों, वेक्टर स्पेस और फील्ड है, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा U इंटरसेक्शन W इज आल्सो सब स्पेस ऑफ V. अगला थ्योरम इसमें देखें, तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर V ऑफ सब स्पेस ऑफ V, सिर्फ दो ही नहीं बल्कि आप 100 सेट्स का इंटरसेक्शन लें, वो भी आपके पास सब स्पेस ही मिलेगी आपको. डेफिनेशन है, सम ऑफ टू सब स्पेसेस U W V, टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर V, देन U प्लस W ऐसे डिफाइन करेंगे जिसमें U सेट से लिया गया स्मॉल W, तो क्लियरली U प्लस W कंटेन इन V. यहाँ से ये पता चलता है कि U प्लस W इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ V. कैसे, ये देखें जी, इफ U एंड W आर सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V, पहली कंडीशन तो इन दोनों का सब स्पेस होना जरूरी है, फिर U plus W is a subspace of V containing both U and V. जो U plus V है, ये एक subspace है, जो कि U और W दोनों को अपने अंदर रखे हुए है, यानी कि contain कर रही है. Then U plus W is the smallest subspace containing both U and W. तो U plus W हमारे पास एक ऐसी smallest subspace है, किसकी? V की, जो कि इन दोनों सब स्पेसेस U एंड W को अपने अंदर रखे हुए हैं, यानी कि कंटेन करवा रही है. नेक्स्ट है डेफिनेशन, U W भी सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, U इंटरसेक्शन W अगर जीरो एलिमेंट दे रहा हो एंड U प्लस W एक डायरेक्ट सम होगा, और इसे ऐसे लिखा जाएगा U प्लस के ऊपर ये सर्कल लगा दें और W. इसमें दो कंडीशन है कि जब वेक्टर स्पेस है वो सम U प्लस W दो सब स्पेसेस का सम पूरी V बनाए, और अगर इनका इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ जीरो दे, तो फिर हमारे पास ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट सम कहलाएगा. अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियर कॉम्बिनेशन एंड स्पैनिंग सेट. इसमें हम क्या करते हैं जी, डेफिनेशंस ऑब्जर्व करते हैं. V भी ए वेक्टर स्पेस और फील्ड, हमने एलिमेंट्स ले लिए वेक्टर के. एनी वेक्टर इन V इज ऑफ द फॉर्म a1v1 a2v2, सब का सम ले लिया, तो ये क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, और ये पूरा आपके पास सेट होगा.
इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ओवर एफ कहते हैं। किसका? वी वन से वी एम का, वी वन से वी एम का। जबकि ए आईज कहाँ से लिए गए हैं, फील्ड में से लिए गए हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, लीनियर स्पैन क्या होता है। एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इज कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ एस। जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन हैं एक एस सबसेट के एलिमेंट्स के, वो मिल के क्या बनाते हैं, वो स्पैनिंग सेट होंगे एस के, और उन्हें डिनोट करते हैं एस के गिर्द छोटा है और बड़ा है का साइन लगा के। अगर एस इनफाइनाइट हो जाए तो फिर हमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एस लेना पड़ेगा बतौर लीनियर स्पैन। थ्योरम आपके पास एक और है, एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस वी ओवर ए फील्ड एफ, ये भी एक सबसेट है। देन एस इज ए सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस, तो ये जो स्पैनिंग सेट एस बना है ये क्या कहलाएगा, सबस्पेस कहलाएगा। किसका? वेक्टर स्पेस वी का, जो किसे कंटेन कर रहा है, एस को। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस, और ये सबसे छोटी सबस्पेस है वी की जो पूरे एस को अपने अंदर कंटेन कर रही है। नेक्स्ट है जी कॉरोलरी, अगर एस टी हमारे पास सबसेट ऑफ वी हो तो एस सबसेट है, ठीक है, इंप्लाइज स्पैनिंग सेट एस सबसेट है स्पैनिंग सेट टी का। चलें इसे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, वेक्टर स्पेस वी इज सेड टू बी फाइनाइट डायमेंशनल इफ देयर इज ए सबसेट एस इन वी सच दैट वी इज इक्वल टू स्पैनिंग सेट ऑफ एस। कोई भी आपके पास वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल होगी अगर हाँ उस वी को जनरेट कर सकते हो स्पैनिंग सेट एस से। स्पैनिंग सेट एग्जाम्पल दी गई है आर क्यूब वाली, ई वन ई टू ई थ्री मिल के हमारे पास ये एस के तीन एलिमेंट्स मिल के क्या करते हैं, पूरी आर क्यूब स्पैन कर सकते हैं। तो लिहाजा एस स्पैनिंग सेट जो है वो इस आर क्यूब क्या कहलाएगी, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाएगी। इसके बाद देखें जी एग्जांपल 12 में भी इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स है ये वाला वी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वी को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद इन्हें आपस में ज्वाइन करना है, पहले पहले एलिमेंट्स को दूसरे दूसरे एलिमेंट्स को और तीसरे तीसरे एलिमेंट्स को ज्वाइन किया, तीन इक्वेशंस बन गई। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इन्हें आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ग्रामर रूल, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, विद द हेल्प ऑफ एनी अदर मेथड, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी भी करेंगे, लेकिन आज हमारे पास यहीं पे हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 235 सफ़ा से शुरू करेंगे और इस लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक वेक्टर स्पेस को कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।